अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइज। पहले पार्ट में हमने फर्स्ट 25 सेंटेंसेस किए थे, अब सेकंड पार्ट में हम रिमेनिंग 25 सॉल्व करेंगे। अब देखें, आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू गेट एज मैनी इंफॉर्मेशन एज आई कुड। एक चीज ध्यान में रखें कि इंफॉर्मेशन जो है दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, तो इसलिए आप यहां पर एज मैनी नहीं बल्कि आप कहेंगे कि As much information as I could. अच्छा, sentence number 27. When it is possible, I will help you later today. ठीक है, अब when नहीं बल्कि if it is possible, I will help you later today. ठीक है, first conditional अगर आपको याद हो। अच्छा आते हैं सेंटेंस नंबर 28 की तरफ। यू हैव टू चोज वन ऑफ द टू बैग्स। ठीक है, अब एक चीज में रखें, टू के बाद जो है हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि चोज जो है वो चूज की सेकेंड फॉर्म है। आपको फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो आप लिख लेंगे ओ यहां पर कि यू हैव टू चूज वन ऑफ द टू बैग्स। अच्छा सेंटेंस नंबर 29, ही विल नॉट लेट मी टू बोरो हिज कंप्यूटर। अब अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में और हमने कहा था कि इनके बाद पे जब आप कोई दूसरा वर्ब यूज करते हैं तो वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होगा, तो इसलिए ही विल नॉट लेट मी टू बोरो नहीं बल्कि ही विल नॉट लेट मी बोरो हिज कंप्यूटर। अच्छा अब आते हैं 30th की तरफ। आई एम श्योर आई डोंट नीड एनी हेल्प एंड विल डू इट माई सेल्फ। ठीक है, यानी अब वो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि यार मुझे यकीन है कि मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है और मैं ये खुद कर सकूंगा। ठीक है, यानी वो यहां पर जोर दे रहा है, इम्फेसिस दे रहा है, तो इसलिए जब वो जोर देगा इम्फेसिस देगा तो फिर आपने क्या करना है, यहां पर इम्फेटिक नाउन यूज करना है। ठीक है, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे विल डू इट माई सेल्फ एंड विल माई सेल्फ डू इट। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है कि इम्फेटिक है और ये आ जाएगा इस वर्ब से पहले। अच्छा नाउ सेंटेंस नंबर 31, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बिकम अ सीआर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखिए कि हमारे पास दो तरह के एनी वन होते हैं, एक वो वाला एनी वन के जो आप कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन, और एक वो वाला एनी वन के जिसमें आप एनी को अलग लिखते हैं वन को अलग लिखते हैं। अब एक चीज हमें रखें कि ये कंबाइंड वाला जो होगा इट मींस जनरल। ठीक है, यानी कोई लिमिटेशंस नहीं है, जबकि ये वाला जो है ये शो करता है स्पेसिफिक। ठीक है, अब अगर आप इस सेंटेंस को देखिए वो कहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो सीआर बन सकता है। ठीक है, अब यहां पर वो असल में ये कहना चाह रहा है कि आपके क्लास के स्टूडेंट्स में से कोई भी सीआर बन सकता है, यानी स्पेसिफिक लोगों के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए आप यहां पर ये वाला एनी वन नहीं यूज कर सकते बल्कि आप यहां पर ये वाला एनी वन यूज करेंगे कि जो शो करेगा स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और वो ये शो कर रहा है कि ये नहीं है कि कोई भी कहीं पर भी स्टूडेंट है तो आपका सीआर बन सकता है, नो, स्पेसिफिकली उस क्लास के बारे में बात हो रही है कि इस क्लास के स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट सीआर बन सकता है। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है कि कंबाइंड वाला एनीवन जनरल है जबकि सेपरेट वाला जो है वो स्पेसिफिक है। अब देखें, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑन ट्यूसडे। ठीक है, अब देखें, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, दिस इज अ टेक्निकलिटी, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं बल्कि आप यहां पर यूज करते हैं आई एन जी वाली फॉर्म। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब यह है दैट यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। ठीक है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग गुड टाइम विथ यू, तो ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सेंटेंस नंबर 33। ओके, देयर इज 32nd is repeated. I did not see someone
ऑन द वे टू योर हाउस। ठीक है, अब अगर आपको याद हो रूल में हमने पढ़ा था कि जब हम बात करेंगे नेगेटिव के बारे में तो फिर आप सम वन नहीं बल्कि आप यूज करते हैं एनीवन। आई डिड नॉट सी एनीवन ऑन द वे टू योर हाउस। ठीक है, अब अगर आप उसको पॉजिटिव में लिखते हैं तो फिर आप ये कहेंगे आई सॉ एनीवन देयर, नो, फिर आप कहेंगे आई सॉ समवन देयर। ठीक है, वो पॉजिटिव में यूज होगा, तो ये आपने मन में रखना है। नेक्स्ट वन, आई एम वांटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखें, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। ठीक है, नॉन मीन्स नॉट, प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूअस, और वर्ब मतलब कंटिन्यूअस की, वर्ब की कंटिन्यूअस वाली फॉर्म जो कौन सी होती है, आईएनजी वाली फॉर्म। यानी कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनकी आप आईएनजी वाली फॉर्म यूज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहेंगे कि आई एम वांटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, बल्कि आप ये कहेंगे कि आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। आप ये नहीं कहेंगे कि आई एम नीडिंग सम मनी, नो, आप कहते हैं कि आई नीड सम मनी। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि आई एम सपोजिंग दैट ही इज अ क्रिमिनल, नो, आई सपोज दैट ही इज अ क्रिमिनल। ठीक है, तो आप जरा गूगल पे फिर ब्राउज करें और देखें कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की जो लिस्ट है उन्हें एक दफा देख लें। आई डोंट थिंक आई हैव एवर रेड वन ऑफ हिज बुक्स। अब अगर आप इस सेंटेंस को सुने तो सुनने में यह सेंटेंस ठीक है, ठीक है, मगर गलती कहां पर है, यहां पर। ठीक है, यानी होमोफोन्स वाली गलती है, यहां पर वो इस रेड के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि रीड की जो सेकेंड फॉर्म है जिसके स्पेलिंग भी रीड से ही मिलते हैं, दिस वन। ठीक है, और रीड की थर्ड फॉर्म भी यही है और इसको प्रोनाउंस किया जाएगा रेड। तो आई डोंट थिंक आई हैव एवर रेड वन ऑफ हिज बुक्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 35th। द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वॉज रादर वर्स्ट देन आई हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब देखिए दो तरह की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, एक वो परफॉर्मेंस की जो एक्सपेक्ट की जा रही थी और दूसरी वो परफॉर्मेंस की जो प्रोड्यूस की गई, यानी दो को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब दो को कंपेयर करेंगे तो फिर आप सुपरलेटिव नहीं बल्कि कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, और बैड पॉजिटिव डिग्री है, वर्स कंपैरेटिव है, वर्स्ट सुपरलेटिव है। यहां पर हमें कंपैरेटिव चाहिए, तो फिर आप लिखेंगे द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वॉज रादर वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ 36th। हु आर यू टॉकिंग टू। अब अगर आपको याद हो हमने रूल पढ़ा था द डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम, और उसमें हमने कहा था कि जब आप पूछे काम करने वाले के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, तो फिर आप यूज करते हैं हु, और अगर आप पूछें कि जो काम रिसीव कर रहा है यानी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो फिर आप यूज करते हैं हुम। अब यहां पर वो कह रहे कि आप किससे बात कर रहे हैं, यानी ये पता है कि बात कौन कर रहा है, आप बात कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उस बात को सुनने वाला कौन है, तो इट मींस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जब आप ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे तो फिर आप हु नहीं, आप यूज करेंगे हुम आर यू टॉकिंग टू, राइट। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 37। शी कुक्स, वॉशेस डिशेस, डज हर होमवर्क एंड देन रिलैक्सिंग। अब यहां पर देखिए, यहां पर प्रॉब्लम है पैरेललिज्म का। अब वो कैसे, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस या ई एस, जबकि यहां पर वर्ब की आई जी वाली फॉर्म। ठीक है, यानी आप बैलेंस ठीक नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो उसके पैरेलल बनाने के लिए आपने भी यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस या ई एस यूज करना। She cooks, washes dishes, does her homework and then relaxes. अब आपका sentence parallel हो जाएगा, correct हो जाएगा। अच्छा देखिए, sentence number 38। She gave me a very good advice when she told me to buy that car. ठीक है, हमने दो words पढ़े थे, एक था advice और एक था work। और फिर हमने कहा था कि अब ये नहीं कहेंगे कि an advice, बल्कि हम ये कहेंगे
piece of. She gave me a very good piece of advice when she told me to buy that car. Acha, 39. Despite of their differences on matters, they all agree on the demand of hike in salary. अब एक चीज ध्यान में रखिए, हमने डिस्कस किया था कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, बल्कि वो इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, ठीक है? तो इसलिए आप इसको यूं करेक्ट कर सकते हैं कि इस ऑफ को ओमिट कर दें, डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, फिर सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर सेंटेंस नंबर 40, कुछ वर्ड्स के हमने प्लूरल्स पढ़े थे कि जो इररेगुलर थे, ठीक है, यानी उन पर कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा था। अब उनमें से एक था फिनोमिनन वाला, और फिर हमने पढ़ा था कि फिनोमिनन का प्लूरल फिनोमिनन्स नहीं, बल्कि वो होगा फिनोमिना, ठीक है? तो इसलिए आप ये कहेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमिना ऑफ आवर टाइम, नॉट फिनोमिनन्स ऑफ आवर टाइम, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट 41, कैन यू टेल मी व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रुथ, ठीक है? अब यहां पर देखिए, यहां पर दो पार्ट्स आप इनको, इनमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, कैन यू टेल मी, एंड द सेकंड, व्हाई, और उसके आगे वाला जो पोर्शन है। अब जब ऑलरेडी आपने यहां पर नेगेटिव वाला, सॉरी, इंट्रोगेटिव वाला यूज कर लिया है, तो आपने आगे दोबारा उसको इंट्रोगेटिव वाले में यूज नहीं करना, ठीक है? तो इसलिए आप ये नहीं कहेंगे कि कैन यू टेल मी व्हाई यू डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, बल्कि आप यू कहेंगे कि कैन यू टेल मी व्हाई, लुक एट द करेक्शन, यू डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हम अगर किसी से पूछे, हम ये नहीं कहेंगे कैन यू टेल मी व्हाई आर यू लेट, नो, हम कहेंगे कैन यू टेल मी व्हाई यू आर लेट, ठीक है? नेक्स्ट 42, यू हैड बेटर वर्कड हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है? अब एक चीज में रखे, हमने एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था हैड बेटर, और हैड बेटर हमने कहा था कि यूज होगा किस सेंस में, शुड के सेंस में, और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड या थर्ड नहीं। तो इसलिए आप यूं समझिए कि ये हैड बेटर नहीं बल्कि शुड लिखा हुआ है, तो इसलिए यू हैड बेटर वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है? तो इस तरह फिर आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि यू हैड बेटर वर्क हार्ड, वर्क हार्ड नहीं। अच्छा, बातें नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 43, आई एम इन अ हरी एंड विल देयर फॉर रन फास्टली, ठीक है? कुछ एडजेक्टिव्स हमने डिस्कस किए थे कि जिनका एडवर्ब भी वही होगा, उसमें एलवाई नहीं लगेगा, और फास्ट उनमें से एक था, आई एम इन अ हरी एंड विल देयर फॉर रन फास्ट। फास्ट एडजेक्टिव भी है और फास्ट एडवर्ब भी है, तो इसलिए आई एम इन अ हरी एंड विल देयर फॉर रन फास्ट। अच्छा, एक तो ये अपने माइंड में रखना है। नाउ सेंटेंस नंबर 44, यू विल बी लेट इफ यू डू नॉट लीव नाउ, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इज नो मिस्टेक। अच्छा, नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू टेक क्वेश्चंस, ही डिसलाइक्स वॉचिंग सॉकर, इजंट ही नहीं बल्कि ये होगा डजंट ही, ठीक है? वो क्यों, आपको मैंने कुछ वर्ब्स बताए थे और मैंने कहा था कि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो छुपे हुए होंगे, जैसे उसमें डू छुपा हुआ होगा, डज या डिड, ठीक है? तो अगर आप वो टैग क्वेश्चन वाला मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर 46, मोस्ट बैंक्स डू नॉट माइंड टू लेंड मनी टू यंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है? मोस्ट बैंक्स डू नॉट माइंड लेंडिंग मनी टू यंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है? जैसे हम कहते हैं ना कि वुड यू माइंड गिविंग मी योर बुक, अब ये नहीं कहते वुड यू माइंड टू गिव मी योर बुक, ठीक है? तो इसलिए आप ये माइंड में रखें कि माइंड के बाद आप वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज करेंगे। अच्छा, 47, वर्किंग ऑल डे लॉन्ग
इन फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी अ वेरी टायर्ड ऑक्यूपेशन. ठीक है, अब अगर आपको याद हो हमने पढ़े थे पार्टिसिपल जिनमें एक था प्रेजेंट और एक था पास्ट पार्टिसिपल, और हम ये कह रहे थे कि अगर जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो असर कर रहा है तो फिर हम यूज करेंगे वर्ब विद आईएनजी फॉर्म, और अगर उस पर असर हुआ है तो फिर हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब वो कह रहे कि बैंक में, ठीक है, सारा दिन काम करना, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज में सारा दिन काम करना ये थका देने वाला जॉब होगी. ठीक है, तो थका देने वाला इट मींस वो जॉब खुद नहीं थक रही बल्कि थका रही है, तो इसलिए ये टायर्ड ऑक्यूपेशन नहीं बल्कि टायरिंग ऑक्यूपेशन. अच्छा, नेक्स्ट आते हैं सेंटेंस नंबर 48. इट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल टू पे अलॉट फॉर हाई क्वालिटी वर्क स्पेशली इफ द सर्विस इज वेल. ठीक है, अब सर्विस जो है ये एक नाउन है और नाउन के बारे में हमें एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन देता है, एडवर्ब नहीं, जबकि वेल जो है वेल एक एडवर्ब है, हमें इसका एडजेक्टिव चाहिए, तो इसका एडजेक्टिव होगा गुड. ठीक है, नेक्स्ट 49. देयर इज सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टुडे इन मीडिया रिलेटेड इंडस्ट्रीज दैट देन could be found 30 years ago. ठीक है, there is नहीं बल्कि there are so many opportunities today in media related industries then could be found 30 years ago. Last sentence, the man who has committed such a serious crime must get the mostly severe punishment. ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में हम मोस्टली नहीं बल्कि हम मोस्ट यूज करते हैं, तो इसलिए द मैन हु हैज कमिटेड सच अ सीरियस क्राइम मस्ट गेट द मोस्ट सिवियर पनिशमेंट. ठीक है, मोस्टली सिवियर नहीं बल्कि मोस्ट सिवियर पनिशमेंट. तो इसके साथ हमारी जो 50 करेक्शंस थे वो भी कंप्लीट हो गए. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.